हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश जरूर करना। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह क्या होंगे। मत्ती 24 का है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु ने कहा है बहुत से लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह पे विश्वास करता हूँ, ये भी कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ। अपने आप को मसीह होने का दावा करेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। बाइबल बताती है कि बहुतों को गुमराह करेंगे, भरमाएंगे, बहुत से मसीह विश्वासियों को भरमाएंगे। और दूसरा चिन्ह है, वो है युद्ध, मत्ती 24 का 6। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यहाँ पर यीशु मसीह पहले ही से कहा था कि एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, मतलब एक देश दूसरे देश से लड़ाई होगी, युद्ध होगा। और तीसरा चिन्ह जैसे मत्ती 24 का 7, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। हम देखते हैं कि पिछली सदी के दौरान हुए युद्धों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ब्रिटेन के एक इतिहासकार ने लिखा है कि 20वीं सदी अब तक की सबसे खूनी सदी रही है, या एक ऐसी सदी रही है जिसमें लगातार युद्ध होते रहे। ऐसा वक्त बहुत कम रहा होगा। अब दुनिया के किसी कोने में युद्ध ना लड़ा जा रहा है। दुनिया की घटनाएं का अध्ययन करने वाले संगठन वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है, पहली सदी से लेकर सन 1899 तक हुए युद्धों में कुल मिलाकर जितने लोग मारे गए उससे 3 गुना ज़्यादा लोग सिर्फ 20वीं सदी के युद्ध में मारे गए हैं। युद्धों की वजह से सन 1914 से लेकर अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर आपको अपने किसी एक अजीज को खोने का दुख है तो जरा सोचिए इन लाखों लोगों को खोने का दुख क्या होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। खोजबीन वालों का कहना है कि पिछले 30 सालों में अनाज की पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, फिर भी आज दुनिया में सबको भर पेट खाना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है और ना अनाज उगाने के लिए खेती है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता है और उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता है, और ये है भूखमरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि कुपोषण की वजह से हर साल 50 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और बड़े बड़े भूकंप होंगे। अमेरिका के भू विज्ञान के मुताबिक सन 1990 से हर एक साल औसतन 17 ऐसे भूकंप आ रहे हैं जिनमें इमारतें टूट फूट जाती हैं और ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। और चौथा चिन्ह बताता है, जैसे लुका 2:11 में लिखा हुआ है, और बड़े बड़े भूंडोल होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और मरिया पड़ेंगी और अकाल पड़ेंगे और भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह आकाश में प्रकट होंगे, जगह जगह महामारी होंगी। आज इस समय में नई पुरानी बीमारियां लोगों के ऊपर कहर ढा रही हैं। आपने देखा ही होगा कि कोरोना वायरस महामारी कितनी जोरों से फैली थी और कितने लोगों की मौत हुई थी। और पाँचवा चिन्ह बताता है, जैसे मत्ती 24:9, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु ने कहा है तुम्हें क्लेश देने के कारण, मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, यहाँ तक कि लोग तुम्हें मार डालेंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मसीह के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण उन्हें मार दिया जाता है। यीशु पर विश्वास करने के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारे घर के लोग बैर करेंगे और बाहर के लोग बैर करेंगे, सताएंगे, मारेंगे, वे सब यीशु के आगमन के चिन्ह बताते हैं। और नंबर 6 बताता है धोखा खाना, मत्ती 24:10, तब तुम बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बाइबल बताती है कि वे अपने आप में ठोकर खाएंगे, यानी धोखा खाएंगे, और यीशु मसीह के नाम के कारण पकड़वाएंगे। और बाइबल बताती है कि बाप बेटे को पकड़वाएगा और बेटा बाप को पकड़वाएगा और आपस में एक दूसरे से बैर रखेंगे, आपस में प्रेम नहीं रहेगा। और आज हम क्या देख रहे हैं, यही सब हो रहा है, एक दूसरे से बैर रखते हैं, आपस में प्रेम नहीं है। नंबर 7 बताता है कि लोगों का रवैया कैसा होगा अंत के दिनों में। 2 तीमोथियुस 3:1-2 में लिखा हुआ है, पर यह जान रखिए अंतिम दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे
क्योंकि मन से अपस्वार्थी लोभी डिंगमर अभिमानी निंदक माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतघ्न अपवृत दया रहे क्षमा रहे दोष लगाने वाले असमयी कठोर भाले के बारी विश्वासघाती ढीठ घमंडी और परमेश्वर के चाहने वाले नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। बाइबल सिर्फ इतना ही नहीं बताते कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, इसमें यह भी बताया गया है कि अंतिम दिनों में लोगों का रवैया कैसा होगा। प्रेरित पौलुस ने बताया है कि इस दौर पर जीने वाले लोग कैसे होंगे, आइए देखते हैं। नंबर एक खुदगर्ज होंगे, नंबर दो पैसों के भूखे होंगे, लालची होंगे, नंबर तीन माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, नंबर चार दगाबाज होंगे, नंबर पाँच मोहब्बत, नंबर छः असहमी यानी अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नंबर सात खूंखार होंगे, नंबर आठ परमेश्वर के चाहने वाले नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, भक्ति का सिर्फ दिखावा करेंगे, भक्ति का सिर्फ दिखावा करने वाले होंगे और उसकी शक्ति को न मानेंगे, और यह सब आज के समय में हो रहा है। नंबर आठ बताता है महासंकट मत्ती 24:21, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और कभी ना होगा। हम जानते हैं कि बाइबल बताती है कि 7 साल का महाक्लेश काल होगा इस पृथ्वी पर, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। नंबर 9 बताता है चिन्ह और चमत्कार 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यीशु ने पहले ही से बता दिया था कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। और हम देखते हैं कि कई ऐसे पास्टर हैं, कई ऐसे चर्चे हैं कि जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, लंगड़ों को चला देते हैं, वे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं और बाइबल बताती है कि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे, गुमराह कर देंगे। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें ज़्यादा चंगाई के पीछे नहीं भागना चाहिए और चिन्ह चमत्कार के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट आता है नंबर 10 मत्ती 24:14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये शब्द यीशु ने जगत के अंत में कहे थे। राज्य का यह सुसमाचार आज दुनिया के 230 से ज्यादा देशों में और 400 से ज्यादा भाषाओं में प्रचार किया जा रहा है। यह सब बहुत जोरों से हो रहा है। राज्य का यह सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, आपको अच्छे से और प्रूफ के साथ बताया जाएगा ताकि आप सभी लोग तैयार हो जाओ और यीशु मसीह के साथ रैप्चर में जरूर चले जाना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को जय मसीह की।